आज हम कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान पढ़ेंगे, अध्याय 14। इसमें है कांग्रेस प्रणाली को चुनौतियाँ। आज हम पढ़ेंगे कांग्रेस प्रणाली को चुनौतियाँ। अब सबसे पहला है कि कांग्रेस प्रणाली है क्या, कांग्रेस प्रणाली है क्या। तो आजादी के बाद भारत की दल प्रणाली का विश्लेषण करने के बाद विद्वानों द्वारा कुछ धारणाओं का प्रतिपादन किया गया। और उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि राजनीति, भारतीय राजनीति में बहुदलीय प्रणाली होते हुए भी सन 1952 से 1964 तक के समय में कांग्रेस के राजनीतिक वर्चस्व के कारण विदेशी विद्वान मॉरिस जोन्स ने सन 1964 में भारत की दल प्रणाली को एक दलीय प्रभुत्व की संज्ञा दी थी। सन 1964 में मॉरिस जोन्स ने भारत की दल प्रणाली को एक दलीय प्रभुत्व की संज्ञा दी थी और उन्होंने दोनों धारणाओं को समानता होते हुए भी कुछ भिन्नताएं थी। और रजनी कोठारी के अनुसार कांग्रेस एक आम सहमति की पार्टी है। यह आम सहमति उसे राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के कारण प्राप्त हुई। और भारत में कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक दल की नहीं बल्कि वह भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की राजनीतिक व वैचारिक विरासत है। और भारतीय समाज में लगभग सभी वर्ग, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, पूंजीपति वर्ग, मजदूर वर्ग, किसान, जमींदार, महिलाएं व युवा आदि ने कांग्रेस के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। हाँ। अब है राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी सर्वमान्य नेता थे और आजादी के बाद उन्होंने कोई राजनीतिक पद नहीं लिया और अपने उत्तराधिकारी के रूप में पंडित नेहरू को चुना। 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद पंडित नेहरू देश व कांग्रेस के सबसे बड़े नेता उभरे। और नेहरू के बाद शास्त्री कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के कामराज ने कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष थे के कामराज ने नेहरू के उत्तराधिकारी के रूप में लाल बहादुर शास्त्री को सामने किया और उनके लिए समर्थन जुटाने लगे, जिसमें वे सफल भी रहे। शास्त्री कांग्रेस संसदीय दल के निर्विरोध नेता चुने गए और 1964 से लेकर 1966 तक शास्त्री जी ने देश के प्रधानमंत्री पद पर कार्य किया। 1964 से लेकर 1966 तक। फिर शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी। कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज ने इंदिरा गांधी के पक्ष में समर्थन जुटाना प्रारंभ किया, जिसका मोरारजी देसाई ने खुलकर विरोध किया। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में गुप्त मतदान हुआ, जिसमें इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को हरा दिया। इस प्रकार विरोध व प्रतिस्पर्धा के माहौल में भी सत्ता के अधिक उत्तराधिकारी का चयन लोकतांत्रिक ढंग से किया गया। और सन 1966 में इंदिरा गांधी पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। पहली महिला सन 1966 में पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी सन 1966 में। अब है चौथा आम चुनाव 1967 में गैर कांग्रेसवाद। तो इसमें है पहला गैर कांग्रेसवाद के विषय में हम देखेंगे, जिसमें समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने सर्वप्रथम गैर कांग्रेसवाद की बात की।
इनका कहना था राम मनोहर लोहिया का कि कांग्रेस गरीबों की हितैषी नहीं है, फिर भी वह सत्ता के में विद्यमान है क्योंकि विपक्षी दलों का मत विभाजित हो जाता है। अतः वे सभी दल जिनकी विचारधाराएं एक समान थी राज्यों में सीटों के मामलों में मंच पर आ गए। इसे ही गैर कांग्रेसवाद कहा जाता था। फिर है क्षेत्रीय दलों का उदय। राज्यों में छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियों ने दलों का गठन किया जिन्हें कांग्रेस के प्रभाव को जिसने क्या किया था कम कर दिया कांग्रेस के प्रभाव को। इसमें प्रमुख थे डीएमके, अकाली दल और भारतीय कांग्रेस दल आदि। फिर है दल बदल प्रवृत्ति का उदय। राज्यों में दल बदल की प्रवृत्ति ने व्यापक रूप ले लिया और दल बदल उसे कहा जाता है जिसमें कोई प्रत्याशी किसी एक दल का चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ता है और विजयी होने के बाद दूसरी पार्टी में चला जाता है। 1967 के आम चुनाव के बाद कांग्रेस के अनेक नेताओं ने दल बदल करके हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार आदि राज्यों में अपनी सरकार बनाई। फिर चौथा भारतीय राजनीति में आया राम और गया राम। कहावत है आया राम गया राम। सांसदों का अपनी पार्टी में बार बार आना और जाना या बार बार पार्टी बदलना जिसका दुरुपयोग हरियाणा के सांसद गयालाल ने 1967 में किया गया था, ऐसे बहुत और दल बदल रोकने के लिए संविधान में संशोधन भी किए गए। फिर है पांचवा गठबंधन का उदय। तो 1967 के चुनाव के बाद भारतीय राजनीति में नई प्रवृत्ति का उदय हुआ जिसे गठबंधन की राजनीति कहा जाता है। राज्यों में गैर कांग्रेसी दलों ने एक साथ आकर गैर कांग्रेसी सरकार का समर्थन किया और बिहार में दोनों समाजवादी दल एसएसपी और पीएसपी शामिल थे। उन्होंने सीपीआई जो कि वामपंथी विचारधारा की समर्थक थी तथा जनसंघ जो कि दक्षिण विचारधारा की समर्थक थी सरकार में शामिल हो गए और उन्होंने गठबंधन कर सरकार बनाई। अब है कांग्रेस का विभाजन। तो 1969 में कांग्रेस दो भागों में बट गया। विभाजन का मतलब बटना, विभाजन होना, जिसमें पुराने नेताओं ने कांग्रेस संगठन बनाया जबकि इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का गठन हुआ। इन्हें क्रमशः पुरानी कांग्रेस एवं नई कांग्रेस कहा जाता था। कांग्रेस का विभाजन दो भागों में हो गया था, नई कांग्रेस और पुरानी कांग्रेस। और कब हुआ था? सन 1969 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था इंदिरा गांधी के नेतृत्व में। अब है कांग्रेस में सिंडिकेट क्या है। तो सिंडिकेट कांग्रेस के भीतर ताकतवर नेताओं का गुट था जिसमें कामराज, संजीव रेड्डी तथा अतुल्य घोष जैसे लोग शामिल थे और इस गुट ने पहले शास्त्री और उसके बाद इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनवाने की भूमिका निभाई थी। सिंडिकेट कांग्रेस के भीतर कुछ ताकतवर नेताओं का एक समूह था जिसमें अध्यक्ष कामराज, संजीव रेड्डी और घोष जैसे लोग शामिल थे। उन्होंने शास्त्री जी के बाद इंदिरा गांधी को भारत का प्रधानमंत्री बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब है गरीबी हटाओ। सन 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा देकर अपना जनाधार कायम किया था। सन 1971 में